अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ग्लो मास्क जो कि मैंने पिंटरेस्ट पर देखा था और मैं लास्ट 15 डेज से यूज़ कर रही हूँ एंड इट इज़ मैजिकल। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू ऑल। सबसे पहले हम लोग चलते हैं किचन में और अपना मास्क प्रिपेयर करते हैं। देखिए भाई, हम लोगों का मास्क हो गया है प्रिपेयर एंड वी आर गोइंग टू यूज़ इट इमीडिएटली। इसको स्टोर नहीं करना, इसको जिस वक्त बनाना है आपने उसी वक्त यूज़ करना है। सो आप लोग देख रहे होंगे मेरे माथे पे क्या हुआ। ये कल मेरा माथा जल गया था यार, मैं बाल रॉड यूज़ करके कर्ल कर रही थी और मैंने अपना माथा जला दिया। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस मास्क ऑन आवर फेस। ये चेरी के छिलके रहने हैं, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग निकाल सकते हैं, बट मैं नहीं निकाल रही। अच्छा, तो जो ये मास्क है इसमें हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें डाली हैं जिनके आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस मास्क में जो हमने हनी ऐड की है, हनी से बेसिकली आपकी स्किन साफ़ होती है और जो बैक्टीरिया वगैरह आपकी स्किन को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, डल कर रहा होता है, इट ऑल डाइज। हनी बेसिकली क्लीन्स दैट अप। मिल्क आप लोगों को पता है कितना अच्छा है अगर आपकी स्किन ड्राई है और क्या होता है आपकी स्किन में ड्राइनेस का इशू है या आपको क्या होता है ड्राई एक्नी है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है मिल्क। बेसन से आपकी स्किन ओवरऑल जो है थोड़ी ब्राइट होती है, जो उसकी स्किन की जो आपकी स्किन की अपनी टोन है वो निखर के आती है। मतलब अक्सर ऐसा होता है ना आपकी स्किन गर्मियों में ख़ास तौर पे आपकी स्किन पे ना एक डल लेयर बन जाती है, सो इट एक्चुअली फाइट्स विद दैट एंड ब्रिंग्स अप योर ओन स्किन। एंड चेरीज़ आर वेरी गुड फॉर द एजिंग वाला इशू। चेरीज़ अगर आप रेगुलरली अपनी स्किन पे जब चेरी भी यूज़ करते हैं तो आपकी रिंकल्स बहुत देर से आएंगी। सो नेचुरल चीज़ें हम लोग जितनी अपनी स्किन पे यूज़ करें उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। नेचुरल थिंग्स आर लाइक गुड फॉर योर स्किन, दे आर बेटर। तो ये वाला मास्क आपने कम्प्लीटली अपने फेस पे अप्लाई कर देना, ख़ास तौर पर जो आपके अफेक्टेड एरियाज़ हैं, जैसे जहाँ पर आपके ब्लैक हेड्स हैं या इस तरह की चीज़ें। दिस मास्क बेसिकली टारगेट्स ऑल द इश्यूज़ इन योर स्किन, जो भी टॉक्सिक चीज़ें आपकी स्किन में गई हुई होती हैं या इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अगर आप इसको रेगुलर ईद तक यूज़ करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन में ग्लो आया हुआ है, आपके पोर्स जो हैं थोड़े टाइट हुए हुए हैं एंड ओवरऑल आपकी स्किन में जो है ना बहुत बेहतर फील आएगी। सो मेरी स्किन पिछले दिनों बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय हुई हुई थी, ठीक है। मैंने पहले तो जाके ट्रीटमेंट करवाया था और उस ट्रीटमेंट से भी मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था, बट आई रियली वॉन्टेड कि मैं किसी नेचुरल रेमेडी को भी ट्राई करूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ बता रहे थे मुझे अपनी बातें कि यार आप ही बताएं हम लोग क्या करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ आपकी स्किन को रिएक्ट कर जाती है तो उसके बाद आपकी स्किन जो है ना नॉर्मल पे आने में बहुत टाइम लगाती है। सो उसके लिए नेचुरल रेमेडीज ऑल्सो वर्क वेरी गुड इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू गो टू अर डॉक्टर और इफ़ देर आर सम अदर इशूज़। तो क्या होता है स्किन के लिए तो आपने किसी भी चीज़ का रिस्क नहीं लेना, जाना है तो अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, नहीं तो प्लीज़ ना जाए, बिकॉज यू नेवर नो कि क्या हो जाए। स्किन का मामला जो है ना बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा। सो इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट अ डॉक्टर जस्ट डोंट गो टू देम अगेन, ठीक है। और मैंने जो स्किन का ट्रीटमेंट करवाया था उससे मुझे बहुत 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 फर्क पड़ा था। और ये वाली रेमेडी 15 डेज होने वाले हैं ऑलमोस्ट और मैं एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करती हूँ एंड आई एम फीलिंग अ डिफरेंस ऑन माई स्किन। पिछली वीडियोज़ में आप लोग मुझे कह रहे थे कि आप ही आपकी स्किन को क्या हो गया, मतलब छोटे 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 दाने निकल आए हैं। और दो तीन वीडियोस पहले मैंने अपने कमेंट्स पढ़े, पीपल वर सेइंग कि आपके दाने गायब हुए हैं, बताएं आप क्या ट्राई करिए। सो आई वाज लाइक बताओगे यार, थोड़ा हौसला रखें, आप लोगों से मैंने क्या छुपाना है। सो मास्क हमारा अप्लाई हो गया है, ठीक है। एक मिनट, ये पोर्स वाले एरिया में थोड़ा सा और लगाती हूँ। ये आप लोग देखें इसमें सिर्फ छिलके रह गए हैं चेरी के, ठीक है, वो जस्ट लेट देम गो क्योंकि वो आपके फेस पर ड्राई होके ना गिरने ही है नीचे। सो
उनको बेशक आप ना डालें। पिंटरेस्ट पे वैसे बहुत फिट आइडियाज होते हैं यार, मास्क वगैरह हो गए, हेयर मास्क, इतने अच्छे अच्छे होते हैं। सो दिस इज माई पर्सनल फेवरेट मास्क फ्रॉम नाउ ऑन एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट एवरी अदर डे टिल द टाइम आई डोंट सी दैट ग्लो इन माई स्किन। ठीक हो गया। सो अब आप लोगों ने वेट करना है 15 मिनट्स के लिए और पंखे में बैठ जाए, ठीक है, ताकि ये ड्राई हो जाए अच्छी तरह से, और उसके बाद आप लोगों ने इसको स्लोली एंड आराम आराम से रब करके वॉश करना है, वो मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी, ठीक है। चलें, अब मैं जा रही हूँ और मैं आपके पास आऊँगी 15 मिनट में। ठीक है, मैं वापस आ गई हूँ और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अपने हाथ हल्के हल्के गीले करने हैं। हाथ गीले हो गए, अब आपने इन हैंड्स के साथ इसकी हल्की हल्की स्क्रबिंग करनी है। गोद में कुछ बिछा लें, अगर वैसे तो आप बाथरूम में ही करेंगे ऑब्वियसली, मेरी तरह यहाँ बैठ के करेंगे नहीं, सो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरेंगे। आपने हल्की हल्की हैंड्स गीले करके स्क्रबिंग करनी है, ठीक है, सो दैट व्हेन इट कम्स ऑफ इट टेक्स द डेड लेयर अलोंग विद इट। ठीक है, सिनेमोन की वजह से आप लोगों को सिनेमोन की हल्की सी एचीनेस फील होगी स्किन में, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप लोग ये मास्क अप्लाई करने से पहले एक दफ़ा पैच टेस्ट कर लें। उससे ये होता है कि इन केस इफ योर स्किन इज एलर्जिक टू समथिंग, आपको पहले ही पता चल जाता है, आपको पूरे फेस पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो आई एम नॉट एलर्जिक टू एनी ऑफ दीज थिंग्स ऑन माई स्किन। अगर आप लोग चेक कर लेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोग भी एलर्जिक नहीं हैं या हैं, तो वो वाला इन्ग्रीडियंट आप लोग स्किप कर दें जिससे आपको इचीनेस हो रही है, एंड देन यू कैन डू इट। मेक श्योर कि आप लोग इसको जो है एक्सट्रीम एक्नी स्किन पे या जिस पे मेडिकेशन चल रही है उस पर ना अप्लाई करें। दिस इज जस्ट अ सिंपल ग्लो मास्क फॉर ईद, ठीक है। तो अगर आपकी कोई और मेडिकेशंस चल रही हैं या कोई और सीरियस इश्यूज हैं आपकी स्किन के, तो जस्ट डोंट अप्लाई एनीथिंग अपनी तरफ से। मैं खुद भी, बिकॉज आई डोंट नो, सो आई विल नॉट सजेस्ट कि इफ इट्स ओके फॉर एक्नी स्किन और नॉट, बट अगर आपको वो जो ड्राई एक्नी होती है छोटी छोटी वो है, तो आप स्क्रबिंग वाला पार्ट स्किप कर दें और उसके बाद आप लोग इसको आराम से वॉश करें, ठीक है। मैं स्क्रबिंग कर रही हूँ ताकि मेरी स्किन की जो डेड लेयर है और जो क्या होता है पोर्स में ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स आ गए हैं वो निकल आए, ठीक है। आपने इसकी 1 मिनट तक या 30 सेकेंड्स के लिए स्क्रबिंग करनी है और उसके बाद आपने अपना फेस वॉश करना है। मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ। I am back after washing my face and I feel so fresh. और स्किन बहुत इस वक्त मेरी सेंसिटिव हुई हुई है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई लेयर उतर आई है मेरी स्किन के ऊपर से डर्ट की। सीरियसली, एक दिन में इतना कचरा जमा हो जाता है आपकी स्किन पर। फेस को आपने अब इसके बाद मॉइस्चराइज कर लेना है। मैं तो सीरम यूज़ करूँगी क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है, या आप लोग देख सकते हैं कि स्किन पर कितना अच्छा ग्लो आ गया है, ठीक है। लिपस्टिक मैंने फ्रेश की है नो डाउट, बट मेकअप की स्किन पे बेस नज़र आती है, सो दिस नो मेकअप एंड यू गाइस कैन सी द ग्लो। चिन पे मेरे देखे आप लोग निशान थे और वो कितने कम होते जा रहे हैं। अब इसको ख़त्म करना है इसको। मैं मिलायो का ये रोज़ गोल्ड सीरम यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन पे, ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो सॉरी, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। मेरी स्किन ड्राई है तो मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ, इट्स ऑयल बेस्ड and it is very good. So I'm not sure कि आपकी स्किन अगर दूसरी है तो आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, but I feel so fresh after applying this face mask. और gently आप अपनी स्किन का मसाज कर लें, कोई भी क्रीम यूज़ कर लें, मॉइस्चराइजर यूज़ कर लें, कोशिश क्या करें आप देखा करें प्रोडक्ट्स और अपनी स्किन के हिसाब से जो है ना वो लिया करें। नेक पे भी लगा लें आप लोग बेशक, मैंने तो सिर्फ आप लोगों को एक डेमो देके दिखाना था इसलिए मैंने नेक पे नहीं लगाया। आप लोग प्लीज़ कोशिश करें कि आप लोग नेक पे भी लगा लें, ठीक हो गया। सो वी आर डन, आई होप आप लोगों के काम आए ये वीडियो। प्लीज़ डू ट्राई दिस एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू ग्लो ऑन ईद आफ्टर अप्लाइंग दिस वन फॉर 3-4 times, इवन 3-4 दफ़ा भी आप लगा लेंगे ना ईद से पहले, आपको डिफरेंस फील होगा अपनी स्किन में। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है डू लेट मी नो। आई एम ऑल्सो ट्राइंग अ हेयर मास्क दीज डेज और मेरे बाल बहुत अच्छे आए हैं क्योंकि आजकल मुझे हेयर स्टाइलिंग, ईद की फोटोशूट्स वगैरह बहुत से चल रहे हैं, तो मुझे स्टाइलिंग हेयर स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ी है। तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे मेरे बाल जो है ना थोड़े रफ हो रहे हैं, तो मैं उसके लिए भी एक मास्क भी यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि एज इंटरेस्टेड इन द मास्क फॉर हेयर, मैं इंशाल्लाह ईद से पहले ज़रूर 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 डाल दूँगी। ओनली इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट। आई एम अप्लाइंग वन एंड इट्स अमेजिंग। सो
I will see you all in the next vlog. Take care of yourselves and bye.